लगातार अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा बवाल जारी है और इसी के मद्देनजर एक बड़ी खबर मिल रही है। अग्निपथ योजना को लेकर जो हिंसा हो रही है उसके मद्देनजर अब प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें पंजाब है, जिनमें झारखंड है, जहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कई राज्य ऐसे जहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा आपको बता दें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अग्निपथ को लेकर जिस तरीके का बवाल हो रहा है, जिस तरीके की हिंसा हो रही है, उसके मद्देनजर ये अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर बदायूं जिले में धारा 144 लगा दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आग की लपटों में घिरी ट्रेन की बोगियां, सड़क पर धू धू कर जलती गाड़ियां, बेखौफ होकर उत्पात मचाते उपद्रवी, ये तमाम तस्वीरें सेना में भर्ती के लिए लाई गई नई योजना अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन की आड़ में हिंसा की है, जिसे देखकर पूरा देश हलकान है। लेकिन हिंसा के इस मंजर के बाद भी बंद और बर्बादी का सिलसिला जारी है। योजना के खिलाफ विरोध जताते हुए बीते दिन बिहार बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन बंदी के नाम पर उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। जनता के लिए बनाई गई सरकारी संपत्तियों को ऐसे तहस नहस कर दिया गया जैसे इनसे इनका कोई सरोकार ही नहीं है। हालांकि अब हिंसा की आग ठंडी पड़ रही है। इसी बीच कुछ संगठनों ने आज एक बार फिर से भारत बंद का ऐलान किया है। ऐसे में आशंका है कि उपद्रवी आज एक बार फिर से हिंसा की आग भड़का सकते हैं। इसे लेकर देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब और झारखंड में अलर्ट जारी किया गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी अलर्ट पर है, यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, झारखंड में स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, बिहार में भी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। इन राज्यों के अलावा देश के कुछ और ऐसे राज्य हैं जहां भारत बंद के नाम पर हिंसा को हवा दी जा सकती है, लेकिन खास तौर पर रेलवे की सुरक्षा में तैनात आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान अलर्ट मोड पर हैं। आपको बता दें कि अभी तक की हिंसा में सबसे अधिक नुकसान रेलवे को हुआ है, लिहाजा हिंसा की घटनाओं को लेकर आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान काफी सतर्क हैं। उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ संगीन और आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने साफ संदेश दिया है कि चप्पे चप्पे पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी प्रदर्शनकारी हिंसा करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ जमकर अफवाह भी फैलाई जा रही है। इसे लेकर भी सरकार ने देश की जनता से अपील करते हुए सावधान रहने की सलाह दी है। बता दें कि हिंसा भड़काने के लिए सोशल साइट्स के साथ साथ व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप का भी सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में इस दिशा में भी पुलिस की पैनी नजर है। सूत्रों के अनुसार ऐसे करीब 35 व्हाट्सएप ग्रुप को बैन कर दिया गया है जिन पर अफवाह फैलाने का आरोप है। वहीं देश भर की पुलिस और जांच एजेंसियां मॉनिटरिंग भी कर रही है। ऐसे में सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप पर किसी भी तरह के पोस्ट करने या शेयर करने से पहले सावधान रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।